हे गाइस, माय नेम इज प्रणव झा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रांड परसेप्शन होता क्या है। अगर आप एज ए कंज्यूमर प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, आप एज ए कंपनी प्रोस्पेक्टिव से मत सोचिए, क्योंकि कंज्यूमर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी ब्रांड के लिए। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रांड परसेप्शन होता क्या है। ब्रांड परसेप्शन में यूजर के एक्सपीरियंस को जाना जाता है कि यूजर का एक्सपीरियंस आपके ब्रांड को लेके जनरली क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से होता क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि यूजर का एक्सपीरियंस, यूजर को दिया गया एक डेमोन्स्ट्रेशन जिसके थ्रू से यूजर आपके ब्रांड के बारे में जानना स्टार्ट कर देता है, वो क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक बेकरी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या फिर आपका एक वर्कशॉप आप जनरली कंडक्ट करते हैं, तो कैसे जानेंगे लोग आपके बारे में, कंज्यूमर कैसे जानेगा आपके बारे में। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जनरली एक डेमो अरेंज करेंगे। एक डेमो अरेंज करते हैं और डेमो में आपने माना कि आप डेमो के अंदर में आपने 5 लोगों को इनवाइट किया। अब ये 5 लोग अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, वो एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, वो एक्सपीरियंस उनकी टेस्ट के बिहाफ पे हो सकता है, वो एक्सपीरियंस आप जो एक विजुअल एक्सपीरियंस होता है, एक विजुअल एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ठंडा मतलब, जैसे ही हम लोग बात करते हैं ठंडा मतलब आपके दिमाग में आता है कोका कोला। हम जैसे हम बात करते हैं एक डेलिकेसी की बात करते हैं और हम लोग एक कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एप्पल ब्रांड का नाम आ जाता है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं एक ट्रस्टेबल इंडियन ब्रांड की तो टाटा का दिमाग का जो ब्रांड है वो आपके दिमाग में आ जाता है। तो ये क्या है, जनरली एक परसेप्शन, एक कहीं ना कहीं परसेप्शन आपके माइंड में क्रिएट किया गया है जो कि यूजर ने क्रिएट किया है, क्योंकि ये यूजर के फीडबैक्स हैं जिसको आप जैसे ही सुनते हैं तो आपके माइंड में वो ब्रांड का नाम आ जाता है। अब ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता कैसे। जैसे ये 5 लोग आए, इन 5ों लोगों ने एक डेमो अटेंड किया एक बेकरी इंस्टीट्यूट में। अब वो क्या क्या करेंगे, जनरली वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ये उनका जनरली एक एक्सपीरियंस है, बेसिकली एक तो उनकी टेस्ट हो सकता है या तो उन्होंने प्रोडक्ट को टेस्ट किया, या सेकेंड थिंग हो सकता है उन्होंने प्रोडक्ट को स्मेल किया, या फिर क्या हो सकता है कि उन्होंने जनरली एक प्रोडक्ट को जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने कुछ भी सुना हुआ था उस प्रोडक्ट के बारे में, तो विजुअल के थ्रू से हम कह सकते हैं या फिर ऑडेसिटी के थ्रू से उसको जानने की कोशिश की, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि वो ब्रांड या वो डेमोन्स्ट्रेशन किसके बारे में बात कर रहा है। आप लोग ब्रांड परसेप्शन कैसे जान सकते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, आप जनरली सर्वे कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का, कि एक कस्टमर का सर्वे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के टेस्ट से, लोगों के स्मेल से, लोगों के रिव्यूज से, लोगों के एक्सपीरियंस से आप जान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानेंगे कैसे कि आपका ब्रांड का परसेप्शन मार्केट में क्या है। जैसे कि बड़े ब्रांड का नाम ले लिया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपके ब्रांड के बारे में क्या है। आप सोशल मीडिया में जाएंगे, सोशल मीडिया में अपने मेंशन चेक करेंगे। जैसे ही आप अपने मेंशन चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरे ब्रांड का मार्केट में क्या परसेप्शन है, लोग क्या सोचते हैं मेरे ब्रांड को लेके। आप नाम के थ्रू से उसको ट्रैक कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं वीडियोस, जहां जहां भी आप पॉपुलर हैं, आपने लेट सपोज आपने 4 चैनल डिसाइड किए जहां पे मैं मार्केटिंग करूंगा, गूगल एड, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग आपने की, और इन 4ों चीजों को करने के बाद आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद जो जो एक्सपीरियंस यूजर ने शेयर किया उसके बिहाफ पे एक आप परसेप्शन बनाओगे, उसके बिहाफ पे ये कस्टमर का फीलिंग है, ये कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में सोचता है विद द हेल्प ऑफ क्या, विजुअल के थ्रू से। जैसे कि आपको पता है कि आप मैकडोनल्ड पे जैसे आप लोगों देखते हो तो आपको पता चलता था कि ये मैकडोनल्ड है, या फिर कहीं से भी आपने दूर से भी उसका एक कुछ कटआउट देखा तो आपको समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा, और इस वीडियो की डिटेल एस्पेक्ट को भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे और भी नए एस्पेक्ट आपके लिए लेके आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए अपने फीडबैक, ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।